मैं वीडियोस देख रहा था इंटरनेट पे पिछले दूसरी रात। मुझे शिक्षित रहना पसंद है यू नो, और मैंने ऑक्टोपसेस के बारे में कुछ देखा बाहर निकाल के। उनके पास काफी छोटे दिमाग होते हैं, हर 8 पैरों में, जिसकी वजह से वो हर पार्ट को अलग सोचते हैं। और उससे मेरे पास एक आइडिया आया, द ऑक्टो गेम्स। 8 गेम्स, 8 प्लेयर्स और एक विनर। हर प्लेयर अलग तरकीब अपनाएगा, लेकिन सब एक ही गेम में होंगे। मेरा गेम बीमार कर देगा, एक जबरदस्त बिल्कुल मजेदार गेम। कितना पागलपन है ना इसमें भाई। क्या तुम ये बंद कर दोगे? नाम? कैरी मिलर। ओके, साइन यहाँ कर दीजिए। ये कैसा स्टूडियो है जो एकदम सुनसान जगह में है? ये जैक्स प्रो स्टूडियो है। ओह, वाओ, ठीक है। ओह, आपके डिवाइसेस प्लीज। ओह, वो हम आपको वापस कर देंगे गेम के एंड में। ठीक है, हाँ, समझ गई। इस तरफ। ठीक है, थैंक्स। जी। क्या आप लोग अब तक जैक्स प्रो से मिले? कोई बात नहीं, ये मेरे से ही बात करता है। मैं फोकस्ड हूँ, ये प्राइज मेरा ही है। हमें ये तक नहीं पता ये है क्या। जैक्स प्रो चलाता है इसे, तो कुछ पढ़ा ही होगा। मैं मैक्सिन, मैं कॉमेडियन हूँ। मैं कैरी, मैं सिंगर हूँ और राइटर भी। मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे वाह, क्या आप एक्साइटेड नहीं है? हम जैक प्रो के नए वीडियो में आने वाले हैं। मैं तो बस फॉलोवर्स बढ़ाने आया हूँ। ओके, तुम्हें क्या लगता है? ओह, मैं इसे जीतने वाली हूँ। ऐसा है क्या? या ये इतना कठिन नहीं है। वॉल्ट रेंटोड एंटरप्रेन्योर कैरी। तुम देखने में रियल एस्टेट बेचने की माहिर लगती हो। क्या? देखो, पैसों की बैग मुझसे बदल लो। कौन? मैं? उस तरफ। कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है जैक्स प्रो और स्वागत है आप सभी का ऑक्ट गेम्स में। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ठीक लग रहा है ना यहाँ पे। आप सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है आपके वीडियोस की वजह से। ये पहला 8 गेम है जिसमें आप में से आगे भी 8 लोग ही बढ़ेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि कमरों के चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। एक बार जब गेम खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ मेरे चैनल में अपलोड हो जाएगा ताकि दुनिया वाले देख सके। तो इनाम क्या है? वैसे मैं सोच रहा था कि पहले वाले गेम तक ना बताओ, लेकिन ठीक है। तो इस गेम्स के बाद मैं सोशल मीडिया से संन्यास लेने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जीतेगा उसको मेरा सारा सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाएगा, मेरी स्पॉन्सरशिप और मेरे 150 मिलियन फॉलोवर्स भी मिलेंगे। इसीलिए अब ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और पहले गेम का नाम है साइमन सेज। Simon Says, जैसे कि बच्चों का खेल। ये गेम काफी आसान है, सभी खिलाड़ियों को किसी भी आदेश का पालन करना होगा जिसकी शुरुआत शब्दों से होगी Simon Says। अगर मैंने कहा Simon Says एक कदम चलो, फिर सब खिलाड़ी एक कदम चलोगे, लेकिन अगर मैंने कहा उछलो तो बिना पहले Simon Says कहे फिर कोई नहीं उछलेगा। अगर तुमने बिना Simon Says कहे कोई भी ऑर्डर मान लिया तो तुम गेम से बाहर हो जाओगे। जो आखिरी के 8 बचे हैं वो दूसरे राउंड में जाएंगे। गुड लक। ये एलिमिनेटर है, जो हारेगा ये उसे यहाँ से निकाल देगा। इसे देखो। अरे देखो ना।
बहुत अच्छा लग रहा है। साइमन सेज, एक बार ताली बजाइए। साइमन कहता है अपनी नाक को छुइए। साइमन कहता है अपने हाथ नीचे रखिए, अपना हाथ अपने सर पे रखिए। साइमन ने आपको अपने हाथ अपने सर पे रखने के लिए नहीं कहा। बड़े दुख के साथ आप गेम से बाहर हो चुके हैं। नो। शांत रहिए, अगर किसी ने भी यहां से जाने की कोशिश की तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो कैसे हो दोस्तों? मैंने सोचा कि एक बार नियम बता दूं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तुम हमें मार डालोगे। हाँ, साइमन ने कुछ भी बोलने को नहीं कहा था, सिर्फ 12 खिलाड़ी बचे हैं। गुड लक। साइमन कह रहे हैं एक पैर पे खड़े हो जाइए। कैरी, क्या वो दीवार के जरिए खड़ा है? वो चीटिंग कर रहा है। साइमन कह रहे हैं अपनी सांस रोक लीजिए। साइमन सेज गेम अब खत्म हो गया है। मुबारक हो, आप 8 ने ये गेम खत्म किया है। आप सभी मेरे अकाउंट्स को जीतने के लिए एक कदम आगे हैं और मेरे 150 मिलियन फॉलोअर भी। अब कैमरा के सामने आके अपना नाम और अपना काम बताओ। जो बात को नहीं मानेगा वो बाहर हो जाएगा। कैरी मिला, मैं सिंगर और सॉन्ग राइटर हूँ। मैं AJ620 हूँ। मैं वीडियो गेम स्ट्रीमर हूँ। मैक्सिन, मैं कॉमेडियन हूँ। मैं रूथ मार्टिन हूँ और मैं नेक्स्ट कुकिंग शो चलाती हूँ।
मैं स्टीफन रैंडल हूँ, लोग मुझे स्क्विश बुलाते हैं, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। वॉल्ट ब्रेंडवुड, एंटरप्रेन्योर। जैस हार्ड बॉडी में लोगों की मदद करती हूँ अपनी पसंद का शरीर बना सके अपनी मेहनत से। बच्चे मुझे मिस सनशाइन कहते हैं। मैं बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार करती हूँ। प्लीज बैरक्स की तरफ मेरे पीछे चलिए। सर आज की फुटेज। ओह, साइमन कहता है शुक्रिया। जाओ। लूना, लूना जल्दी, बाबू मुझे मिल गया। बाबू, बाबू। तुम टैनिंग कर रही हो? यहाँ पे कितनी ठंड है। मेरे फॉलोअर्स मुझे टैन में देखना चाहते हैं। हे भगवान। वैसे मेरे पास फुटेज आ गया है साइमन सेज का। मैं इसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जल्दी ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। मोटापे का और इंतजार नहीं कर सकती। ओ, हम दोनों काफी मोटे हो जाएंगे और आसपास कोई देखने के लिए नहीं होगा। फाइनली तुम कंचे होने वाले हो। और तुम्हें भी ऐसे बर्फ में बैठना नहीं पड़ेगा। हम भयानक हो जाएंगे। ओ, तुम ये बातें करके कितनी अच्छी लगती हो। ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन कितना मोटी? कपड़े। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी शॉक में हूं। हम सब भी शॉक में हैं। मुझे अपनी बहन को कॉल करना है। मुझे सुनो। नो। तुम ठीक हो? मैं बहुत डरी हुई हूँ। हाँ, हम भी। मैं एक प्री स्कूल की टीचर हूँ और मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सुनो, हम तीनों को साथ में रहना है, ठीक है? क्या वाकई में तुम लोग सीरियस हो? तुम लोगों को मजा आ रहा है? बात को समझने की कोशिश करो माय डियर। मशहूर लोग बच्चों का खून पीते हैं हमेशा जवान बने रहने के लिए। तुम लोगों को क्या लगा कि 100 मिलियन फॉलोअर्स मिलना इतना आसान होगा? गुड लक माई डियर्स। हे, लंबी लंबी सांसें लो। सोचो कि हम लोग मर गए हैं। सिर्फ सांसें लो, सुनो, अंदर लो, आउट। तुम सही हो, मैं समझ गई हूँ। मुझे प्रेरणा मिली है, सांस लेती हूँ, फिट हूँ और मैं कर लूंगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। ओके, कितने सारे बदमाश हैं यहाँ, सही कहा ना? बदमाश? हाँ। तुम और मैं, हम स्मार्ट हैं, हमें सब मालूम है, बाकी सब अपने अपने भावनाओं में डूबे हैं। हाँ, मैं भी दोस्त बनाने नहीं आया। पक्का? मैं इन लड़कियों को मना सकता हूँ। क्या हो गया? इनसे हमें फायदा मिलेगा। अच्छा, तुम्हें लगता है? दोस्त, मैं मदर टेरेसा तक को मना सकता हूं। मैं दोस्त बनाने नहीं आया। हाँ, तुम्हें साथी बना सकता हूं। मैक्सीन, देखो जो होगा सो होगा। हम कहां पर हैं? लाइट्स ऑन। ओह, कैसे हो दोस्तों? दूसरा गेम है हॉपस्कॉच। इसके नियम आसान है।
पहले तुम एक नंबर लिखोगे, वो नंबर तुम्हारे बारी का नंबर होगा। जीतने के लिए सबको कूद के पार करना होगा, लेकिन अगर बोर्ड लाल हो जाए तो तुम हिल नहीं सकते, और अगर तुम हिल जाओ जब बोर्ड लाल हो तो तुम हार जाओगे। जैसे ही पहला कोई हारेगा वही गेम खत्म। गुड लक। पहला प्रतियोगी यहाँ आए। ओके। कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, मैं प्री स्कूल टीचर हूँ। हॉपस्कॉच मेरी खासियत है। क्या तुम सीटी बजा रहे थे? तुम देख लोगे। अगला प्रतियोगी। ओके, मैं तैयार हूँ। ये क्या है ये? मैं पहुंच गई। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये कर लेगी? शांत रहो। मेरे साथ बदलोगी? क्या, क्यों? आपके पास अच्छा नंबर है। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ तुम एक एहसान करो। ठीक है, पक्का। थैंक्स। अगला प्रतियोगी। इसको पूल भेजो। ये खत्म। ये मरने वाली है। अब मजा आएगा। नहीं, प्लीज रुको। ये होशियारी नहीं थी। मैं उसे ऐसे टॉर्चर करने नहीं दे सकती थी। तुम मर सकती थी। हेलो, तुमने वहां बहादुरी दिखाई। क्या चाहिए तुम्हें? रुको, उनकी बात सुनो। आपने मुझसे नंबर क्यों बदले? मैंने इसको कहा, मैं इस तरफ था। मैंने कहा कि उसके फायदे के लिए तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। तो क्या आप हमारी तरफ हो? मैं उसके तरफ हो जाऊंगा जो उसे हराने में मदद करेगा। हम तुम पे कैसे भरोसा कर सकते? तो क्या कहना है तुम्हारा? साथ हो? तुम्हें देखकर लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं? लगता है? बिल्कुल।
तुम मजबूत जवान लड़के हो और खेल में मेरी मदद कर सकते हो, और मैं एक औरत हूँ, तुम्हारे दूसरे तरीके से मदद कर सकती हूँ मैं। अच्छा? हाँ? नहीं। हेलो हैंसम, मैं एक सवाल पूछूं? हे सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। पता है, मैंने तुम्हारे वीडियोस देख रखी है, जितने भी तुम्हारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं ना, वो मैंने सब देखा है, काफी हिम्मत देते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जा रहा हूँ तुमसे मतलब। अरे सुनो ना, मैं तुमसे अपनी कुकिंग शो के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे भी हम में से कोई ना कोई बाहर जाने वाला है। मेरा एक कुकिंग शो है और मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, खाना बनाना और किचन वेयर के लिए। अगर तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक औरत हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं रुका। वाकई में तुम्हें अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अरे सुनो सुनो, तुम ठीक हो ना? ये क्या किया तुमने? मैं हर एक को यहाँ वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ फालतूगिरी मत करना। इसकी तो मैं पलट के वार कर सकती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कैसे उसने चेतावनी दी थी। अपना सर थोड़ा पीछे करो। जो तुम कर रहे हो उसकी नॉलेज है तुम्हें? मैं मेडिकल स्कूल में था थोड़े समय के लिए, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। बाय द वे, मेरा नाम एजे है, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैक्सीन, कैरी, तुम्हारे दोस्त के लिए सॉरी। ये बकवास था, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सब लोग गेम के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए। फिर से? आज मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढूंगा। ठीक है। हे बेबी, क्या चल रहा है? किसी गुमशुदा की खबर छपी है क्या? नहीं, मैं फैमिलीज को मैसेज कर रही थी, किसी पे शक नहीं है। ओह बढ़िया बढ़िया, पता है मैं सही में सोचता हूँ कि ये सबसे बढ़िया होने वाला है, सबसे बढ़िया रास्ता बाहर जाने का। तुम्हें क्या लगता है कितने टाइम तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि असली है? पता नहीं, कोई फर्क नहीं, जब तक ये होगा तब तक हम एक आइलैंड में होंगे अकेले। दो दिन और? दो नहीं, तीन दिन और। आ, 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 हाँ, तीन दिन और, सही कहा। अच्छा काम किया। तो कैसे हो दोस्तों, तुम सब अपनी पट्टी हटा सकते हो। स्वागत है ऑब्स्टेकल कोर्स में। ये गेम खेलना आपकी मर्जी है, तुम सबने मेरा दिल छू लिया है, इसीलिए मैं तुम सबको निकलने का एक रास्ता देता हूं। नियम काफी आसान है, आखिर तक पहुंचो 60 सेकंड में और फिर तुम घर जा सकते हो, कोई सवाल नहीं। कोई आना चाहेगा? मैं करूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये खेल जीत जाओगे? अगर तुम सोचती हो कि 100 मिलियन फॉलोअर्स इतनी आसानी से मिल जाएगा तो तुम सपने देख रही हो बेबी। मैं देख लूंगी। ये बहुत आसान है, इसमें चक्कर क्या है? तो समय शुरू होता है अब। तो ऐसा है, Thank you.
तुम्हें करना है ये? क्या मजाक कर रहे हो? कभी नहीं, हम गेम जीतने वाले हैं। मैंने कर लिया, कर लिया। प्रतियोगी ने ज्यादा टाइम लिया है। वो सही बोल रही है। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? मैं जाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? मैं ये कर सकती हूँ। क्या तुम्हें यहां से जिंदा नहीं निकलना? मुझे माफ कर दो। कैरी, ये आत्महत्या होगी। आपका समय शुरू होता है। एक मिनट रुको, एक मिनट। मुझे समझाओ प्लीज। यही से निकला जा सकता है। इसमें खतरा है, लेकिन यही आखिरी रास्ता है और मुझे जाना है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हूँ ताकि मैं अपनी बेकार सी नौकरी में वापस जाऊँ और गाना गाऊँ। बाहर हो या कुछ भी, मैं नशेड़ियों के लिए गाना गाऊंगी जो मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे। या तो ये खतरा है या रास्ता। लेकिन कुछ तो है जिस वजह से हम सब यहाँ हैं। या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, या मैं अपने हालातों को यहाँ से बदल सकती हूँ और काफी लोगों को ऑडियंस बना सकती हूँ जो सही में मुझे सुनेंगे। अंत में मुझे मरना पड़ सकता है, लेकिन मैं ये करूंगी। औरत है ना? वाह, सिर्फ 6 खिलाड़ी बचे हैं। आप अपनी पट्टी वापस से पहन लो, फिर तुम्हें वापस अड्डे पे ले जाएंगे। चौथा गेम जल्दी होने वाला है। Hey. प्रतियोगियों को पीछे लेकर के आओ। क्या तुम्हें पता है एक भी गद्दारी की और सीधा मौत की सजा? जीसस, फिर से धार्मिक बातें। जैक्स प्रो ने मेरी जान बचाई है और उसने मुझे मिलियंस दिए हैं, और हमारे पास अपने कई कारण हैं। लाओ इसे मुझे दो। सुनो, मैं अपनी जॉब अच्छे से कर रही हूँ, सो प्लीज। तुम पहले से ही क्यों पैक कर रही हो? मैं उत्सुक हूं। कौन है? मेरी मम्मी है। एक वही है। मैं उन्हें कॉल करने जा रही हूं। तुम्हें मिला?
मुझे कितना यूज करना है? एक चम्मच या उससे ज्यादा भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मुझे कितना पेमेंट मिलेगा? गेम नंबर 7 के बाद पैसा मिलेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दे पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है, भरोसा रखो। कैसे हैं दोस्तों, ऑक्टो गेम्स के चौथे राउंड में आप सभी का स्वागत है। म्यूजिकल चेयर्स। मुझे लगता है सब बच्चों वाले खेल होंगे। ये पर्सनल नहीं है, किसी को तो हारना होगा। गेम के नियम काफी आसान है। यहाँ 4 कुर्सियां हैं और तुम 6 हो। जब धुन बजेगी तो सब चलना शुरू करेंगे और जब धुन बंद होगी तब सबको चेयर में बैठना है। जो नहीं बैठ पाया वो आउट होगा, जो पहला आउट होगा वो बाहर होगा। उसके बाद हम एक विजेता के लिए खेलेंगे। इस गेम में विजेता के लिए काफी बढ़िया तोहफा है। जो जीतेगा उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए तक पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे उनके अकाउंट में। क्या करेंगे ये पैसे लेके जब तुम हमें मार ही डालोगे? क्या तुम लोगों के पास परिवार वरिवार नहीं है क्या? उनको या किसी और को दे सको तो? सब खड़े हो जाओ। आप जीतो करोड़ों में। मेरे साथ आधा करोगे अगर मैं हार गया तो 50% कैसा रहेगा? मेरे को चलेगा इतना। रुको 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 रुको, बैठो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जाओ। भाड़ में जाओ, जो भी हो।
कोशिश भी मत करना। ये तो मजेदार है। एजे, तुम तो ठीक हो? मुश्किल से, लेकिन हाँ। एक मिनट, क्या चल रहा है? हेलो दोस्तों, तो मैं इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। पहले हरे हुए खिलाड़ी को मरना बोरिंग है, तो मैंने सोचा कि जीत के तोहफे को और इंटरेस्टिंग बनाया सके। जो दोनों बचे हैं, उसमें से एक ही को तोहफा मिलेगा और दूसरे वाला मर जाएगा। गुड लक। तो जो बेहतर है वो जीतेगा। काटो मुझे। जीतने के लिए मदद नहीं मांग रहा, मैं बस चाहता हूं कि इसे रोकने में मदद करो। मैं साथ हूं। मैं भी। शुक्रिया, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैंने गलत सोचा आपके बारे में, सॉरी। पता है, तो यहाँ हो तुम? मैं कहाँ? उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे काफी इंप्रेस कर दिया। मुझे तुमसे मिलना था। जैक्स प्रो? साक्षात सामने। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल पागल हो और मुझे ये पसंद है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो आगे के गेम्स में। क्या तुम मुझे मार डालोगे? नहीं, मैं तुम्हें हायर कर रहा हूं 2 करोड़ रुपए के लिए, और एक बार हो जाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं करूंगी। बढ़िया। और तुम्हें पता है क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपनी जुबान का पक्का हो। ये खूबसूरत है, कैरी को ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो कैसा चल रहा है सब, कोई नई खबर? कुछ खास नहीं, ये कुछ नादान बच्चे हैं, इसको लगा कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो मैंने ये सुना कि तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। तुमने ये कैसे सुना? सुना नहीं, बस अंदाजा लगाया। सुनो सुनो, मैं ऐसा कर रहा था। नो नो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और
अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो समझे? समझ में आ गई बात? हाँ जी मैं समझा। गुड बाय। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। जरूरत भी नहीं, हमें सिर्फ स्पिश को खेल से बाहर निकालने की जरूरत है, ये बात है। मुझे लग रहा है वो हमारे साथ खेल रहा है। या फिर जवाबी हमला देने को, वो इतना बेवकूफ नहीं है। ओह माय गॉड, सब बहुत अजीब हो रहा है, अब तो मेरे अंदर उम्मीद भी नहीं बची। मेरा मतलब ये सिर्फ केडी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ अपने आप को सिंगिंग में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं सिर्फ इन कठिनाइयों से बाहर निकलना चाहती हूँ। हे, तुम जानती हो कि हम सबको फंसाया गया है। सही कहा। काश हम इस जगह के बजाय कहीं बाहर मिलते हैं, फिर शायद हम साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे होते। अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और गेम नंबर 5 के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? फिर से आधा कर लें, मैं भी चाहता हूं। सब लोग अपनी आंखों की पट्टी खोल दें। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हम खिड़की से बाहर निकल सकते हैं, दरवाजे पक्के बंद होंगे। अभी सिर्फ नजर रखते हैं, जो निकल गया वो मदद लेकर आएगा। ये नया गार्ड है, थोड़ा छोटा भी है। जो लेफ्ट साइड में है वो पुराना वाला है। ओ, तुमने इसे पहचान लिया क्या? नहीं, क्या पहचानना चाहिए। कैसे हो दोस्तों, गेम 5 में आपका स्वागत है, हाइड एंड सीक। सिर्फ तुम 5 ही बचे हो। अब नियम काफी सिंपल है, तुम्हारे पास 60 सेकंड हो गए इस घर में कहीं भी छुपने के लिए। उसके बाद एलिमिनेटर आपको ढूंढने आएगा, जो सबसे पहला खिलाड़ी मिला वो खत्म। गुड लक। सिक्सटी 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. यहाँ जाओ मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तुम कोशिश कर सकती हो। मैक्सी। 11, 10, 9, 8, 7, 6. शुक्रिया। 5,
5, 4, 3, 2, 1 तैयार रहिए सब लोग, वो आ रहा है। निकलो यहां से। रुको, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो मुझे, या तो तुम रहते या वो रहती, समझे? तुम या वो, तुमने अच्छा किया। प्लीज प्लीज गया था अंदर, यहां मैं और मैक्सिन थी सिर्फ। फिर उसने किसी को आते हुए सुना, उसने फिर धक्का देकर बाहर कर दिया। ये पर्सनल नहीं है, किसी को तो हारना होगा। अब हम चार ही बचे हैं।
करी मुझे माफ कर दो, सब कुछ बड़े जल्दी में हो गया। रूथ, तुम सांस ले रही थी जब ये तुम्हें लेकर गए। मैं ये कोशिश करूंगी कि तुम हार जाओ। तो गेम 7 स्टार्ट होने वाला है, क्या प्लान है? आज रात पैसे दे देंगे और गेम 8 के तुरंत ही बाद उस वीडियो को अपलोड कर देंगे और फिर यहाँ से आइलैंड की तरफ निकल जाएंगे। गुड गुड। रूथ के साथ कैसा क्या है? जैसे चलना चाहिए अभी। हाय। ओह हाय। रूथ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, लूना लाफन। अरे वाकई में आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आप बहुत स्वीट हैं। आजा, मैं तुम्हें ये जन्नत दिखाता हूँ। तुम इसे जितना चाहो उतना खुश कर लो। सुनो, उस वक्त तुमने अच्छा किया। शुक्रिया। सिर्फ 4 बचे, लेकिन मैं और तुम होंगे तो क्या होगा? नहीं, जो बेहतर होगा वही जीतेगा। मैं बाहर निकल ही चुकी थी। अगर गार्ड ने तुम्हें नहीं देखा होता तो तुम भाग चुकी होती। इसका मतलब है उनके डिजाइन में ही कोई खराबी है। हमें अगले राउंड के लिए इंतजार करना चाहिए। और क्या पता मैं जिंदा ना रहूं दूसरे मौके के लिए। अरे यार, तुम अपना रोना बंद नहीं कर सकती? तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक ऐसा बंदा जो जिंदगी और मौत से खेल रहा है और वैसे ही पेशा भी रहा हूं। तुमने मासूम लोगों की जान ली है। नहीं, मैंने नहीं किया, उसने किया। तुम शैतान हो, जानते हो ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं खुद को बचा रहा हूँ तुम्हारी तरह। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो बताओ मुझे कि मैं तुम्हारी मदद और कैसे कर सकता हूँ। राइट। ये मुझ जैसे गरीब का स्टूडियो। ओ वाओ, तो ये वही जगह है जहाँ सब कुछ होता है। कैसे हो दोस्तों, जैक्स प्रोहासिर है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक और चीज करो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगी। आज तुम्हारा ऑडिशन था और तुम पास हो गए, मुबारक हो। ये वाली दूसरे गार्ड से पकड़ी गई थी जहर के साथ, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है क्या करना है?
हमें अभी यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर शूटर्स खड़े हैं। और क्या अगर उसने ही लड़े, वो सबको साथ नहीं मार सकते। तुम उन्हें मारोगे तो मैं तुम सबसे लड़ूंगा। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं अब बस जीतने वाला हूँ, ये तुम सब जानते हो। तुम पिछला खेल हार ही गए थे। संभाल के कैरी, याद है ना रुद के साथ क्या हुआ था? तो कैसे हो दोस्तों, गेम 6 में आपका स्वागत है। थिएटर बॉल, मैदान का पसंदीदा। वो बच्चों के खेल का क्या? तुम्हें पता ना कि मेरे वीडियोस कौन देखता है? नियम काफी आसान है। बॉल को पोल के दूसरी तरफ मारना है और तुम जीत जाओगे। हम इसके 3 राउंड्स करेंगे, वो भी आमने सामने। एजी के सामने वॉल्ट और कैरी के सामने स्क्विश। जो हारेंगे वो आपस में फिर से खेलेंगे, ये देखने के लिए कि कौन बाहर होगा। अभी भी कुछ सोच रही हो क्या? हम शाम 7 बजे के बाद खेलेंगे और कल हम लोग फाइनल गेम खेलेंगे। गुड लक। सबसे पहले वॉल्ट और एजे। माफ करना, मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं देख पा रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या देख रहे हो, लेकिन भरोसा करो मैं वही चाहता हूं। मुझे पता है तुमने मैक्सिको मारा है। हमें क्यों मारो? एजे तुम कर सकते हो, चलो 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 चलो। एजे तुम कर सकते हो, कर दिखाओ बॉल। चलो भी तुम कर सकते हो, करते रहो। यस, बहुत अच्छे। मैं तो गया। और ये मैक्सिन के लिए। विजेता हैं एजे। वाहू, मचा दिया तुम लोगों ने। अब अगले हैं कैरी और स्क्वैश। रिकॉर्ड के अनुसार वॉल्ट ने मैक्सिन को मारा क्योंकि मैंने कहा था उसे। ये सच नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे लिए कहा हो। गुड जॉब। विजेता है स्क्विश। भला ये था क्या? सोच कर देखो, शायद मैं हार भी जाती, चोट पहुंचने के बाद वॉल्ट के साथ खेलती, या तुम्हें जिताकर वॉल्ट के साथ ठीक से खेलूं। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो होशियार हो। ये सही नहीं है। इसी के बारे में तो कह रहा था मैं, इसे कहते हैं होशियारी से खेलना। अब अगले हैं वॉल्ट और कैरी। वेल, अच्छा लगा तुम्हें जान के वॉल्ट।
विजेता है गैरी। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं मरना है। मैंने देखा कि तुम्हारी पकड़ वाकई अच्छी है, गुड जॉब। मुझे एक मौका दो, मुझे नहीं मरना है अभी। कुछ तो करो तुम लोग, ये मुझे मारने वाला है। गैरी, हे भगवान, कुछ तो करो। ऐसे क्या देख रहे हो? वाह, ये बहुत मजेदार गेम था। अब सिर्फ तुम तीन बचे हो, कैरी, स्क्विश और एजे। सातवां गेम आ रहा है, 7 बजे खेलेंगे। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अब हम क्या करेंगे? जितना मैं जानता हूं, यहां से जिंदा निकलना मुश्किल लग रहा है। तुम निकलोगी या मैं? ये तुम्हें कैसे पता? इसके लिए स्क्वीड्स को मरना ही होगा। और क्या होगा जब हम दोनों आमने सामने होंगे? मैंने इस बारे में सोचा नहीं अब तक। बाबू, मेरा ड्रिंक कहाँ है? आ रही हूँ। हो, शुक्रिया। क्या तुमने पिया है ये? नहीं, मुझे इससे नफरत है। मेरा मतलब ये फ्लेवर। मेरे लिए सब एक जैसा ही है। हर फ्लेवर क्या है यार? मैंने पिया है ये। नहीं, तुमने ये ट्राई नहीं किया, ये नया है। ये एक बार ट्राई करो ना प्लीज, मेरे लिए तो एक सिप ले लो। पर तुम क्यों चाहते हो कि ये बकवास मैं पीऊं? क्योंकि मुझे शेयर करना पसंद है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, समझो। मेरे लिए एक सिप नहीं लोगे? मुझे ये नहीं चाहिए। लूना, कोशिश करो। ये बेकार है। लो इसे, वरना मैं मारूंगा। मैं बस रूट को ले आया गार्ड को मारने के लिए, क्योंकि वो अपने साथ जहर लेकर आए थे। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे, या फिर मुझे मारना चाहते थे, या वो तुम्हें ये देख के मुझे मारना चाहते थे। अगर इसमें कुछ नहीं है तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। पी लो, पी लो। पकड़ो इसे।
तुमने इसे मार दिया? हाँ, जब मैं तुम्हें गेम का फुटेज देने आ रही थी तब मैंने तुम दोनों की बहस सुन ली थी और जब ये नीचे आई तो मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने इसे गोली मार दी। जैक प्रो मैं नहीं जानती थी कि मुझे बंदूक दो। पक्की यकीन के लिए तुमने बिल्कुल सही किया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जो किया तुम्हें ये सोच के काफी झटका तो लगा होगा। मेरे लिए ऑक्टो गेम्स प्राकृतिक था, जो मेरे जिंदगी के दिए हुए सारे परेशानियों का जवाब था। जिंदगी और इंटरनेट ने मुझे एक सामान बना दिया जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, वो भी बिना समझे। इसलिए मैंने ऑक्टो गेम्स को बनाया, जो जिंदगी की असली लड़ाई है मौत से, जहां लोग एक दूसरे के साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे मेरे साथ, एक प्रोडक्ट की तरह। हाँ, तो ये एक सुसाइड नोट था। अब आगे क्या? अपने बैग पैक कर लूंगा और फिर ये देश छोड़ दूंगा गेम आर्ट के बाद। अकेले जाओगे? यही लग रहा है। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें कल सुबह 6 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन मैं कुछ और भी चाहती हूँ तुमसे। हम नहीं, सोच कर देखो, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझसे काफी बड़ी हो। हमारा एक आइलैंड होगा, वहाँ हम दोनों रहेंगे। हाँ, शायद ये सच है। उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने में मजा आएगा। लेकिन तुम्हें तो पागलपंती पसंद है ना? कैसे हैं दोस्तों, गेम 7 में आपका स्वागत है। हैंगमैन क्लास का फेवरेट गेम। नियम काफी आसान है, हमारे पास रहस्य वाले शब्द होंगे और सबको बारी बारी एक लेटर मिलेगा। जो भी गलत लेटर को गेस करेगा उसे बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगेगा। अगर तुमने वो शब्द पहचान लिया तो तुम आजाद हो जाओगे चेयर से। जिसने पहले सांस बंद कर दी वो हार जाएगा। ये वाला ज्यादा मजेदार है। तुम्हारे पास 2 सेकंड हो गए गेस करने के लिए। गुड लक। स्क्विश, पहले तुम। टाइम खत्म। टी एल एफ गलत। वॉवल्स पे फोकस करो। ए ई ओ आई एन समय। B
गलत। एस डी फिर से गलत। ये फटने वाला है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आर गलत। एम समय। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं सॉल्व करता हूं। शॉप दो इसे। मैक्सीन लॉस्ट द ऑक्ट गेम्स। शिट। कांग्रेचुलेशंस, आप वहां खड़े हो सकते हैं। जरा भी चालाकी नहीं। हम क्या करेंगे? बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुकाबला करोगे? मुझे करना ही होगा। शुरू हो जाइए। ए समय। एजे तुम क्या कर रहे हो? समय। एजे ऐसा मत करो। गलत। समय। एजी प्लीज। यू नहीं। समय। लाजवाब गेम सभी का काफी अच्छा पल था। कल सबको मैं सुबह मिलता हूँ फाइनल गेम के लिए। क्या चाहते हो तुम? बेहतर को जीतने दो। सबसे बेहतर? तुमने चीटिंग की। यहां तक पूरे खेल में तुम दो बार हारने वाले थे। तुम्हें मरना चाहिए था एजे की जगह पर, या मैक्सिन की जगह, या फिर सब की जगह पर। पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, ठीक है? हाँ।
तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है? हाँ, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा नियम के अनुसार ही खेलते हैं या दूसरों की मदद करते हैं वो जीतेंगे। नहीं 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 नहीं, ये हमारे ऊपर नहीं है। कुछ भी करना पड़े तो करते हैं, अगर किसी को फेंकना पड़े तो फेंकते हैं, वो सब एक ही लेवल पर है जिसके सब हकदार है। आप उठ जाओ। तुम कल मरने वाली हो पक्का, और मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या मैं मिस्टर जैक्स प्रो से मिल सकता हूँ? तुम उसे देख रहे हो? ओह, आप मिस्टर जैक्स प्रो सर, ये मेरी खुशनसीबी है आपको देखना। ठीक है अंदर आओ। वाह, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी सर। ओ क्यों? क्योंकि गेम के दौरान आप चाहते थे कि क्योंकि तुमने डेथर बॉल के सामने मोहमाया का मजा तोड़ दिया है। मैं माफी चाहता हूं। तुम बिल्कुल पागल लगे जब तुमने मास्क उतारा था। तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल डरावना नहीं है, तुम बिल्कुल बंदर हो। ये क्या है? ये टैटू? हाँ ये आपका टैटू है। मुझे पता ये मेरा टैटू है, लेकिन ये तुमने क्यों बनवाया है? क्योंकि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं ब्रांड हूँ और तुम कुछ नहीं। मैं जानता हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं जानता हूँ आपने ये बहुत सुना होगा, लेकिन मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है? और मैंने उन लोगों को वैसे ही मारा जैसे आपने कहा था। क्या तुम्हें मजा आया? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आपको पता है मेरा ख्वाब था किसी की जान लेना, और एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था और वो ऐसे ही इस दुनिया से नहीं जाना चाहता था जैसे सब लोग जा रहे हैं इस दुनिया से। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया। तो तुमने सोच लिया मेरे जैसे बनने का? ये काफी बेकार है रूथ। रूथ? रुके रुके रुके, नहीं सर, नहीं सर, सर 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 नहीं सर 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 नो 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 नो। कैसे हो दोस्तों, गेम 8 में आपका स्वागत है। तुम में से एक ये सब जीत जाएगा और दूसरा अपनी जिंदगी खो देगा, और जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा सब कुछ मेरे चैनल में अपलोड हो जाएगा, और तब लाखों करोड़ों लोग इस सब को देख पाएंगे। वो देखेंगे कि कैसे हालत में आप आ गए यहाँ पे, पुलिस भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मैं तब तक जा चुका हूँगा। अब फाइनल गेम शुरू होने वाला है, कैप्चर द फ्लैग। नियम काफी आसान है, जिस इंसान ने झंडे को 3 सेकंड के लिए पकड़ लिया वो ही जीतेगा। तुम दूसरे खिलाड़ी को मार या छू नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हार जाओगे, और याद रखना होशियारी से खेलना। गुड लक। 5 4 3 2 1। अब कुछ नहीं होने वाला। मुझे जाने दो कैरी, मैंने जो भी किया वो मजबूरी में था। तुम अब ये मुझसे नहीं छीन सकती हो। वो इसे हरा देगा। रुको, मेरे पास बिल्कुल क्लियर शॉट है। अभी नहीं,
तुमने अच्छा खेला, अब जाने दो। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। ठीक है। अब आप सेफ हैं, आप जीत चुकी हैं। मैं कहाँ हूँ? अपने नए घर में। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, पुलिस जल्द ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। कैरी, अब तुम आगे क्या करोगी ये तुम पर है। रुको, तुम हो कौन? मैं अभी भी तुम्हारी साइड हूं,
हे, तुमने वो गाना सुना जो मैंने अपलोड किया है? हाँ, 2 लाख व्यूज हैं एक रात में, क्या बात है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा मतलब ऑक्टा गेम्स की विनर बनके? हाँ, लेकिन लोग देख रहे हैं, तुम यही चाहती थी है ना? लगता है मुझे और नहीं चाहिए। हे, मैंने तुम्हें वीडियो भेजा था, देखा? नहीं, अभी नहीं देखा। देखो और मुझे कॉल बैक करो। ठीक है। कैसे हो दोस्तों, मैं आपका चिप 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 मैक डैनियल वापस आया हूँ नए वीडियो के साथ। देखो मेरी नई गर्लफ्रेंड रूथ। हम कैंडी स्ट्राइक करने वाले हैं हर दुनिया के कोने से, जापान भी, कभी भी। लेकिन पहले हम ये वीडियो अपने रहस्य अड्डे से बना रहे हैं। पता है क्या सिक्योर नहीं है? वाईफाई कनेक्शन।